guys, assalamu alaikum, welcome, cook with Mehdia ke saath welcome. Aaj main aapko zarda chawal ki recipe bataungi jo ki bahut hi tasty hai aur saath mein easy bhi. Shuru karne se pehle mere channel cook with Mehdia ko subscribe zarur kariyega, like bhi kariyega. सबसे पहले मैंने 2 घंटे चावल भिगो के रख दिए और उसके बाद इस बर्तन में मैंने गर्म पानी किया और उसमें जरदा रंग डाला और अब चावल बॉईल हो रहे हैं. ये चावल बॉईल हो चुके हैं और मैंने 3 ग्लास चावल लिए थे और 3 ग्लास से चीनी लूंगी. अगर आपके चावल कम है तो फिर आप चीनी भी कम लीजिए. ये ऑयल भी गर्म हो चुका है और ये मैं चीजें इसमें डालूंगी. कुछ बादाम छिलके उतार दिए थे मैंने और 5-6 लौंग, कुछ लाची और किशमिश, नारियल, ये सब डाल दिया. हल्के से मैंने इन सब चीजों को फ्राई करके और अब 3 ग्लास चीनी डाल दी है जैसे कि मैंने आपको बताया था. ये देखिए अब मेरा शीरा अच्छी तरह से तैयार हो गया है और अब मैं इसमें चावल डालने लगी हूँ. और जी मैंने इसमें चावल डाल लिए हैं और अब चावलों को दम पे रख रही हूँ. ये देखिए अब मैंने ये डिश आउट कर लिए हैं जरदा चावल. देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं. मेरे चैनल कुक विद महदिया को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी जरदा के चावल जरदे के किस तरह लगे. आप मेरे चैनल कुक विद महदिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा. अल्लाह हाफिज़.